रैंप पर अदाएं बिखेरती खूबसूरत मॉडल्स को देखना एक अलग अनुभव है। आज फैशन शो का बड़ा व्यवसाय तैयार हो गया है। टीवी सीरीज से लेकर सौंदर्य प्रतियोगिताओं तक इन पर आधारित है। क्या आप जानते हैं इनका इतिहास क्या है? तो हम आपको बता दें कि फैशन शो का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहली बार अंग्रेजी फैशन डिजाइनर चार्ल्स फ्रेडरिक की आइडिया लेकर आए थे। उन्होंने अपने बनाए कपड़ों का प्रदर्शन मॉडल्स के जरिए करना शुरू किया था। जिंदा लोग पहली बार मॉडल बनकर नजर आए थे। इससे पहले कपड़ों के प्रदर्शन के लिए पुतलों का इस्तेमाल किया जाता था। इसे फैशन परेड का नाम दिया गया था। चार्ल्स फ्रेडरिक के द्वारा इस्तेमाल में लाए गए जिंदा लोगों के जरिए फैशन शो करने का आइडिया लंदन से न्यूयॉर्क तक पहुंच गया। हालांकि उस वक्त ऐसे शो छोटे हुआ करते थे और अधिकतर व्यक्तिगत इवेंट्स में ही फैशन शो हुआ करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फैशन की दुनिया ने अलग विस्तार लिया। 1947 में पेरिस में डिजाइनर क्रिश्चियन डियोर ने दुबली पतली स्कर्ट पहनी हुई लड़कियों के साथ एक शो किया। ये शो स्त्रीत्व के नए रंग रूप लेकर आया था। इसे विश्व युद्ध की वेदना से पलायन के तौर पर भी देखा गया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्लेन एक्सप्रेशन रैंप वॉक का दौर फैशन परेड शुरू होने के लगभग 100 सालों बाद 1960 में शुरू हुआ था। इसे तब बेहद कलापूर्ण माना गया था। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि जिस फैशन शो को हम लोग आज मॉडर्न तरीके से देखते आ रहे हैं, वो आज से पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।